शिविर 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 शिवाजी हॉस्पिटल संजय ड्राइव रोड सागर में सुप्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ भोपाल से स्त्री रोग, शिशु रोग एवं बाल्य रोग चिकित्सा परामर्श। स्कूल का सत्र शुरू हो गया है और बारिश में भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन पथरिया नगर से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम बेलखेड़ी हाई स्कूल के छात्र छात्राओं को बारिश के समय स्कूल पहुंचने में समस्या का सामना करना पड़ता है। बेलखेड़ी ग्राम में हाई स्कूल की बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग नहीं बनाया गया है, जिससे बारिश के समय खासी परेशानी बच्चों को उठानी पड़ती है। स्कूल में करीब 130 छात्र छात्राएं आते हैं। छात्राओं के मुताबिक उन्हें एक नाला पार करके स्कूल जाना पड़ता है। जिस दिन बारिश होती है तो करीब 1 से 2 फुट तक पानी नाले में आ जाता है और छात्र छात्राओं को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं बचता। स्कूल प्रबंधक और छात्र छात्राओं ने कई बार पहुंच मार्ग बनवाने की मांग की, लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। सड़क ना होने के कारण हम लोग फंस जाते हैं, मिट्टी भी फंस जाती है और हम लोग के पांव भी बहुत खराब हो जाते हैं, यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है और मिट्टी भी लग जाती है पांव में। यहाँ पर सड़क भी नहीं बनी है, 12 गाँव से लोग आते हैं। सड़क ना होने के कारण यहाँ पर बहुत कीचड़ मचा होता है। जब बहुत तेज बारिश होती है तब हम लोग स्कूल नहीं आ पाते हैं, और आते भी हैं तो यहाँ पर कीचड़ होता है तो हम वहीं के वहीं लौट जाते हैं साइकिल लेकर। हम स्कूल में 10-12 गांव के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, और बारिश के कारण यहाँ पर कीचड़ होने के कारण वे वापस लौट जाते हैं। हम लोगों की पढ़ाई प्रभावित होती है, यदि हम लोगों की रिजल्ट कम आएगा तो इसकी जिम्मेदार प्रशासन ही होगी। मामले में प्राचार्य अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि पहुंच मार्ग के संबंध में जून 2017 में अनुविभागीय अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पहुंच मार्ग नहीं बन सका है। इस विद्यालय में 2016-15 में बन के तैयार हुआ था, बिल्डिंग तो बना दी गई है जैसे तैसे, बट इसमें रास्ता नहीं बनाया गया। बच्चों का पहुँच मार्ग नहीं है, एक तरफ खेत है दूसरी तरफ नाला बहता है, यहीं से आना जाना होता है। ये 2-3 महीने जो होते हैं अपने बरसात के, इसमें स्कूल लगाना बहुत कठिन पड़ जाता है। स्टाफ तो जैसे तैसे आ जाता है पर बच्चों की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है, उपस्थिति 10 से 12 बचते हैं और मतलब बहुत कठिन पड़ जाता है। और इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी बताया गया, दमों में DO साहब को बताया गया, लेटर लिखा गया, SGM साहब को लेटर लिखा गया और पंचायत से भी बात की गई, उनको भी लेटर लिखा गया। पंचायत वाले बोलते हैं कि बस बनने वाली है रोड, सब तैयार हो गया है और इसी तरह 3 साल निकल गए। बहुत मुसीबत है, मतलब विद्यालय में पहुँच मार्ग न होना एक बहुत ही कमी है इस विद्यालय के लिए। रेंट बहुत अच्छा आता है लेकिन विद्यालय बच्चे नहीं आएंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे। बेलखेड़ी ग्राम से ग्रामीणों ने आके एक शिकायत बताई थी कि वहाँ के स्कूल बच्चों के लिए पहुँच मार्ग नहीं है और बरसात में बच्चों को स्कूल से आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। हालांकि अभी किसी प्रस्ताव के तहत कार्य करना तो मुश्किल है और प्रस्ताव भेजकर कार्य कराने में समय भी बहुत लगेगा। मेरा ये प्रयास रहेगा कि जनपद और दूसरे विभागों के सहयोग से कोई भी टेम्परेरी व्यवस्था वहाँ पर करवा सकूँ, जिससे बच्चों का आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और लॉन्ग टर्म में जनपद के द्वारा प्रस्ताव बनवा कर इस समस्या का जड़ से निदान करवा सकूँ। पथरिया से आफताब खान, सागर टीवी न्यूज। शिविर 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 शिवाजी हॉस्पिटल संजय ड्राइव रोड सागर में सुप्रसिद्ध मानसिक रोग विशेषज्ञ भोपाल से स्त्री रोग, शिशु रोग एवं बाल्य रोग चिकित्सा परामर्श शिविर रविवार 7 जुलाई 2019 24 घंटे रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर रूपाली जैन MBBS DGO स्त्री प्रसूति निसंतानता विशेषज्ञ, डॉक्टर PS राजपूत MBBS, डॉक्टर प्रीतेश गौतम MD न्यूरो मानसिक रोग मनोचिकित्सा विशेषज्ञ, डॉक्टर AK जैन MBBS MD पीडियाट्रिक नवजात शिशु एवं बाल्य रोग विशेषज्ञ। पता शिवाजी हॉस्पिटल संजय ड्राइव रोड पंतनगर वार्ड सागर।